पाठ कक्षा पहली विषय हिंदी पाठ दो उपविषय चंद्रबिंदु का प्रयोग दोहराई कार्य व्याख्यान संख्या तीन। प्यारे बच्चों आज हम चंद्रबिंदु का प्रयोग दोहराई कार्य के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो बेटा सबसे पहले आप आज चंद्रबिंदु का प्रयोग समझेंगे, ठीक है। इस कार्य को हमने पहले भी किया है, तो आपको क्या करना है, अभी आप केवल इसे समझेंगे, ठीक है। देखिए मैंने दिया है, समझिए और पढ़िए। देखिए ये क्या है बड़ाऊ और ये क्या है चंद्रबिंदु। अगर बड़ेऊ में चंद्रबिंदु हम लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऊ। क्या पढ़ेंगे, ऊ। अब ये देखिए स में आ की मात्रा है ना, तो क्या पढ़ेंगे सा। और ये क्या है चंद्रबिंदु, तो सा लिखेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे और उसके ऊपर आप चंद्रबिंदु लगाएंगे। अब क्या बन गया सा, ठीक है। अब ये देखिए क्या है ये आ, और ये क्या है चंद्रबिंदु, तो आप लिखेंगे पहले बड़ा आ, ठीक है, और आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाइएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही च, आ की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदु, चा। अब देखिए ह और ह के ऊपर चंद्रबिंदु आपको लगाना है और शिरोरेखा। हाँ जरूरी नहीं है कि आ की मात्रा के ऊपर ही चंद्रबिंदु आए, लेकिन जिन शब्दों में आ की मात्रा आई है वहाँ चंद्रबिंदु आ की मात्रा के ऊपर आपको लगाना है, ठीक है। कर लेंगे ना आप, अरे अभी तो ये रह गया। देखिए प, प में आ की मात्रा और आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु, पा। तो आपको मैंने पहले ही से समझाया ना, अब आप समझ गए, समझ में आ गया ना बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा फिर हमने सीखा था वर्ण और चंद्रबिंदु को जोड़कर शब्द बनाना। यहाँ भी देखे दिया है मैंने कि वर्ण और चंद्रबिंदु को जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए चा, क्योंकि च में आ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे हम चा चंद्रबिंदु द। देखिए मैंने लिख दिया ना, पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैंने लिखा च, आ की मात्रा और आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया, ठीक है बेटा। और फिर मैंने लिखा द, ऊपर शिरोरेखा, बन गया चांद, है ना, कितना आसान है ना। अब देखिए आ चंद्रबिंदु ख, ये देखिए मैंने जोड़कर शब्द बना दिया ना, पहले क्या लिखा मैंने आ और उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया, फिर लिखा ख और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया आंख। अब इसे देखिए आ चंद्रबिंदु व ला, अब इसे हमने जोड़ा आ के ऊपर चंद्रबिंदु, आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु व ला, आंवला, ठीक है बेटा। अब इसे देखिए मु, मा में छोटी उ की मात्रा है तो मु, चंद्रबिंदु ह, क्या बन गया मुंह। अब इसे देखिए प में बड़े उ की मात्रा पू, ऊपर चंद्रबिंदु छ, ये देखिए मैंने जोड़कर लिख दिया, बन गया ना पूंछ। देखिए चांद, आंख, आंवला, मुंह, पूंछ। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको वर्ण और चंद्रबिंदु जोड़कर शब्द बनाने के लिए दे दूं तब आप कर लेंगे ना आसानी से।
बस ये ध्यान रखना है आपको, देखिए इसमें आ की मात्रा नहीं है, लेकिन ये मुंह के पीछे चंद्रबिंदु आई है, तो हमें मुंह में ही लगाना है, ठीक है ना, मुंह के ऊपर ही लगाना है। और जहाँ आ की मात्रा आई होगी तो आप आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे, यानी कि च के ऊपर लगा दिया या द के ऊपर लगा दिया तो बेटा गलत हो जाएगा। छोटी छोटी सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हमने फिर क्या सीखा था, शब्दों को पढ़ना। देखिए यहाँ भी मैंने दिया है, बोल कर पढ़िए। देखिए सांच, पांच पांच, कांच कांच, मांग मांग, दांत दांत, आंख आंख। अब देखिए आ की मात्रा के ऊपर ही चंद्रबिंदु लगाया है ना मैंने, तो आपको भी ऐसे ही लगाना है और सही सही पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे, देखिए ज हाँ हाँ। अब देखिए चंद्रबिंदु पीछे आया है ना, अभी तक पहले वर्ण में आ की मात्रा के ऊपर आया था, लेकिन देखिए जहाँ में ह के बाद आ की मात्रा के ऊपर आया हुआ है, तब भी आप पढ़ लेंगे आसानी से। ज हाँ जहाँ, व हाँ वहाँ, त हाँ तहाँ। अब इसे पढ़ते हैं, देखिए ये थोड़े बड़े शब्द हैं, इसे भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं बेटा। देखिए आंगन आंगन, बांटना पाटना, कापना कापना। अब देखिए छोटे ऊ की मात्रा के साथ शब्द को पढ़िए, धू आ धुआ, कु आ कुआ। अभी देखिए इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, तो प में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे, पू, और ऊपर चंद्रबिंदु लग गई है तो पूछ पूछ, ठीक है। एक बार फिर से दोहराते हैं, सांच पांच कांच, मांग दांत आंख, जहां वहां तहां, आंगन बांटना कापना, धुआं कुआं पूंछ। देखिए बेटा क्या दिया है, चित्र देखकर नाम बताइए। इस कार्य को मैंने पहले भी आपको सिखाया है और आपने किया भी है, अब तो आपको चित्र की पहचान हो गई, अब आप उसके नाम को भी बता सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं, है ना। देखिए पहला चित्र किसका है, चांद, पहला चित्र किसका है, चांद का। दूसरा चित्र देखिए, गांव, दूसरा चित्र किसका है, गांव का। तीसरा चित्र देखिए किसका है, आंख, तीसरा चित्र है बच्चों आंख का। और चौथा चित्र किसका है, बांसुरी, किसका है बेटा, बांसुरी। तो बताइए ये किसका चित्र है, चांद, ये आंख, ये बांसुरी और ये गांव। तो देखा कितनी आसानी से हमने इन चित्रों को पहचान कर उनका नाम बता दिया, है ना। तो अगर आपके सामने ये चित्र आ जाएं तो आप उनके नामों को लिख लेंगे ना, इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तब आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा आपको सीखना है वाक्य बनाइए, अभी केवल आपको सीखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ये चांद। अच्छा देखिए चांद के सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसे हम, चांद बाजार जा। बेटा चांद किसी बच्चे का भी नाम हो सकता है ना, तो चांद बाजार जा। आपने सूरज नाम सुना है ना,
तो जब किसी का नाम सूरज हो सकता है तो चांद भी हो सकता है ना। और हमें शब्द क्या दिया गया है, चांद। हमें चांद का वाक्य बनाना था, तो आपको क्या करना है, इस शब्द का प्रयोग वाक्य बनाते समय जरूर करना है। देखिए मैंने सबसे पहले ले लिया चांद बाजार जा, अब दूसरा वाक्य बनाना है, क्योंकि आपको अपना दिमाग भी प्रयोग करना है। और क्या वाक्य बन सकता है, सोचिए। सोच लिया आपने? देखिए दूसरा वाक्य हम क्या बना सकते हैं, च में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, द चांद, न न में छोटी की मात्रा, नी के ल निकल, ऊपर शिरोरेखा, आया आ या, और पूर्ण विराम। अब इस शब्द को पढ़िए, चांद। देखिए यहाँ भी चांद है ना, तो यहाँ जरूर आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ चांद लिख दिया और पीछे लिख देते हैं बाजार जा, ये निकल आया। नहीं, आपको यहाँ भी लिखना है, और जब आप वाक्य बनाएंगे तब भी आपको शब्द जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा, चांद निकल आया, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं ना। अब देखिए दूसरा शब्द मैंने लिया है पांच। पांच का मतलब है बेटा फाइव। फाइव हम काउंटिंग में पढ़ते हैं ना, वन टू थ्री फोर, फिर फाइव आता है। तो हिंदी में जब हम हिंदी की गिनती पढ़ते हैं तो फाइव को हम पांच कहते हैं। देखिए पहला शब्द मैंने बनाया, सुबह पांच बजे उठ जाओ। सुबह पांच बजे उठ जाओ, सुबह भी आप लिख सकते हैं, पांच भी आपको लिखना आ गया, बजे भी आप लिख सकते हैं, उठ और जाओ भी आप लिख सकते हैं। वाक्य आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो आपको सारी मात्राएं आ रही हैं, है ना बेटा। तो देखिए मैंने बनाया, सुबह पाँच बजे उठ जाओ, यहाँ आपको जल्दी उठने के लिए कहा जा रहा है। अब अगर दूसरा वाक्य बनाना है तो क्या बनाएंगे, सोचिए। देखिए आप दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, माँ, ये देखिए मम्मी, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु मैंने लगाया, माँ पांच आम ला ई, पूर्ण विराम। अब इसे पढ़िए, माँ पांच आम लाई। देखिए दोनों वाक्य आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, या कुछ आप और भी लिख सकते हैं अगर मैं आपको पांच से वाक्य बनाने के लिए दूं, ठीक है। आप लिख सकते हैं मेरे पास पांच कार है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, आंख। आंख का मैंने एक वाक्य बनाया है, आंख में काजल लगाओ। आंख में काजल लगाओ, में बेटा आपको एक ही मात्रा के साथ में बिंदी भी लगानी है, ठीक है। आंख में काजल लगाओ, दूसरा वाक्य सोचिए क्या लिख सकते हैं हम। चलिए थोड़ा आसान सा लिखते हैं, लिखेंगे हम आंख, ये देखिए आ की मात्रा के ऊपर ही चंद्रबिंदु मैंने बनाया है, ख ऊपर शिरोरेखा, आंख, ब के ऊपर अनुस्वार, द बंद करो, क रो,
करो, आंख बंद करो। हमारा एक नया वाक्य बन गया ना, आंख बंद करो। अब देखिए अगला शब्द मैंने दिया है गांव, और वाक्य बनाया है यह मेरा गांव है। देखिए यहां भी गांव है और ये देखिए यहां भी गांव है ना। चांद में सबसे पहले हमने चांद को लिया था और वाक्य बनाया। पांच में देखिए दूसरे स्थान पर हमने पांच को लिखा। आंख में हमने पहले स्थान पर लिखा। और जब गांव का वाक्य बना रहे हैं तो गांव हमने तीसरे स्थान पर लिखा। तो बेटा आप शब्द का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वाक्य पूरा होना चाहिए, आपके वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए, आपको वाक्य समझ में आना चाहिए। अगर मैं ने यहाँ पर लिखा यह मेरा गांव है तो आपको समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसे उल्टा सीधा लिख दूँ, मैं लिख दूँ है गांव मेरा यह, या मैं लिख दूँ यह है मेरा गांव, तो हमें क्या करना है, सही सही लिखना है, ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य बनाते हैं गांव का, क्या बनेगा सोचा आपने। आप लिख सकते हैं कि मेरा मेरा, म में ए की मात्रा, र में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, मेरा। आप लिखेंगे गांव, ग में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, व गांव, मेरा गांव सुंदर। अब सुंदर कैसे लिखेंगे, स में छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार द र सुंदर, मेरा गांव सुंदर है। हमें आई की मात्रा, ये देखिए ए की मात्रा है और ये आई की मात्रा। तो देखिए हमने वाक्य बना लिया ना, मेरा गांव सुंदर है, ठीक है बेटा। अब आप कर लेंगे ना, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इसे आपको नहीं करना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है बेटा। समझिए बेटा, देखिए दिया गया है आ, चंद्रबिंदु लगाकर सही शब्द बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो अधूरे हैं, और हमें क्या करना है, चंद्रबिंदु का प्रयोग करके सही शब्द बनाना है। देखिए लिखा हुआ है हंसना, छाँव, ऊंचे, तागा, आंगन, बाया, तो ये क्या है, चंद्रबिंदु के बिना ये अधूरे हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। आप तभी इसे पूरा कर पाएंगे जब चंद्रबिंदु का प्रयोग सही स्थान पर करेंगे। देखिए हंसना, तो हमें चंद्रबिंदु लगाना है ह के ऊपर, बन गया हंसना। तो आपको यहां सही सही लिख करके ह चंद्रबिंदु, स न में आ की मात्रा, हंसना यहां लिखना है। ये नहीं कि ये दिया है छाव तो आप इसी के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे, नहीं बेटा। इस प्रकार के प्रश्न जब आपके सामने आए तो आप क्या करोगे, पहले उसे पढ़ोगे और आपको इधर उसे सही करके लिखना है। देखिए छाव, अब देखिए छ में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, व छाव, शब्द सही हो गया ना हमारा और शब्द बन भी गया हमारा। अब देखिए ऊंचे, ऊंचे क्या ये सही है, नहीं। इसे हम कैसे सही करेंगे, देखिए बड़ा ऊ, ऊपर चंद्रबिंदु, च में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, ऊंचे ऊंचे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शब्द लिखते तो हैं पर चंद्रबिंदु नहीं लगाते, या
कोई मात्रा भूल जाते हैं तो बेटा उसके अंक कट जाते हैं। अब आपको समझ में आया मात्रा का कितना महत्व है? ठीक है, आपको सही मात्रा सही स्थान पर लगाना है। अब देखिए दिया गया है तागा, ये तो तागा लिखा हुआ है और सही शब्द क्या होगा? त में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा, तांगा। अभी देखिए लिखा हुआ है आगन, अब देखिए क्या होता है सही, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ग न ऊपर शिरोरेखा, आंगन। ऐसे देखिए दिया हुआ है बाया, बहुत से बच्चों ने होमवर्क में क्या किया, ब के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, कुछ बच्चों ने ब में आ की मात्रा लगी हुई है इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। बेटा नहीं, आपको ध्यान से देखना है, देखिए ब में आ की मात्रा, य में आ की मात्रा और य में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु आपको लगाना है और फिर आपको शिरोरेखा खींचनी है। बायां, जैसे आप बायां लिखेंगे वैसे आप दायां भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब कार्य मैंने आपको समझा दिया है और आपको समझ में भी दिया है, क्योंकि आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आप उस कार्य को सही सही करेंगे ना।